प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार किया जाता है। प्रेमचंद का जन्म आज ही के दिन 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लमही गांव में हुआ था। प्रेमचंद की रचनाओं को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरदचंद चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसने आने वाली पीढ़ियों के साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद ने साहित्य में यथार्थवाद की नींव रखी। प्रेमचंद की रचनाएं हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। प्रेमचंद की हर रचना बहुमूल्य है, जो अपने समय की सच्चाई को बयां करती है, और उनकी खासियत है कि वे आज भी प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह आपने भी शायद जरूर पढ़ी होगी। हामिद को मेला घूमने के लिए उसकी दादी अमीना ने 3 पैसे दिए। मेले में किस्म किस्म की मिठाइयाँ, झूले और तोहफे बिक रहे थे। जहाँ दूसरे बच्चों ने मेले से अपने लिए खिलौने, भिश्ती और मिठाइयाँ खरीदी, वहीं 4 या 5 साल के हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। 6 पैसे के चिमटे को मोल भाव कर 3 पैसे में खरीद लेता है, क्योंकि रोटियां सेकते समय दादी का हाथ तवे से जल जाता था और पैसों की कमी की वजह से दादी चिमटा नहीं खरीद पा रही थी। हामिद ने अपने बचपन की ख्वाहिशों को भुलाकर अपनी उम्र से वह पहले ही बड़ा हो गया। गरीबी कैसे इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देती है, इस मनोविज्ञान को ईदगाह की कहानी खोल कर रख देती है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, पिता का नाम अजायब राय था, और वे डाक खाने में मामूली सी नौकरी करते थे। वे जब सिर्फ 8 साल के थे तब माँ का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे माँ के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे। प्रेमचंद का जीवन बहुत अभाव में बीता। जब उनकी उम्र महज 15 साल थी तो पिता अजायब राय ने उनकी शादी उम्र में बड़ी लड़की से करा दी। शादी के 1 साल बाद पिता का निधन हो गया और अचानक ही उनके सिर 5 लोगों की गृहस्थी और खर्च का बोझ आ गया। प्रेमचंद को बचपन से ही पढ़ने का शौक था और वे वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी की मार के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना अधूरा रह गया। प्रेमचंद को बचपन से ही उर्दू भाषा की शिक्षा मिली थी। हिंदी साहित्य के इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें उपन्यास पढ़ने का ऐसा चस्का था कि बुक सेलर की दुकान पर बैठकर ही उन्होंने सारे उपन्यास पढ़ लिए और 2-3 सालों के भीतर सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले। 13 साल की उम्र से ही प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में कुछ नाटक लिखे और बाद में उर्दू में उपन्यास लिखा। इस तरह उनका साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ, जो अंतिम समय तक उनका हमसफ़र बना रहा। आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं के कारण उनकी पत्नी मायके चली गईं और फिर कभी नहीं लौटीं। वे उस समय के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन आर्य समाज से प्रभावित रहे। प्रेमचंद विधवा विवाह का समर्थन करते थे और 1906 में अपनी प्रगतिशील परंपरा को जीवन में ढालते हुए उन्होंने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। इसके बाद उनकी ज़िंदगी की हालत कुछ बेहतर हुए। अध्यापक से प्रमोशन होकर वे स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बने और इसी दौरान उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन छपा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। प्रेमचंद आज़ादी से पहले के समय के समाज और अंग्रेजी शासन के बारे में लिख रहे थे। उन्होंने जनता के शोषण, दुख, दर्द और उत्पीड़न को बहुत ही बारीकी से महसूस किया और उसे लिखा। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को ये गवारा नहीं था। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन, जिसका मतलब था राष्ट्र का विलाप, इसके लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। उस समय वे नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनकी खोज हुई और उनकी आँखों के सामने सोजे वतन की सभी प्रतियाँ जला दी गईं। कलेक्टर ने उन्हें बिना अनुमति के लिखने पर भी पाबंदी लगा दी। 20वीं सदी में उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और प्रेमचंद के घनिष्ठ मित्र मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए और इसी नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद का रचना संसार बहुत बड़ा और समृद्ध है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, आलोचना, संस्मरण, संपादकीय जैसी अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। उन्होंने कुल 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 3 नाटक, 15 उपन्यास, 10 अनुवाद और 7 बाल पुस्तकें लिखीं। इसके अलावा सैकड़ों लेख संपादकीय लिखे, जिसकी गिनती नहीं है। हालांकि उनकी कहानियाँ और उपन्यास उन्हें प्रसिद्धि के जिस मुकाम तक ले गए, वो आज तक अछूता है।
प्रेमचंद ने शुरुआती सभी उपन्यास उर्दू में लिखे, जिनका बाद में हिंदी में अनुवाद हुआ। 1918 में सेवा सदन उनका हिंदी में लिखा पहला उपन्यास था। इस उपन्यास को उन्होंने पहले बाजारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा, लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद सेवा सदन के रूप में प्रकाशित हुआ। यह एक स्त्री के वेश्या बनने की कहानी है। हिंदी साहित्यकार डॉ. रामविलास शर्मा के मुताबिक सेवा सदन भारतीय नारी की पराधीनता की समस्या को सामने रखता है। इसके बाद 1921 में किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम प्रकाशित हुआ। अवध के किसान आंदोलनों के दौर में प्रेमाश्रम किसानों के जीवन पर लिखा हिंदी का शायद पहला उपन्यास था। फिर रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि से होता हुआ उपन्यास लिखने का उनका यह सफ़र 1936 में गोदान के उफक तक पहुंचा। प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ और विश्व साहित्य में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदल देने जैसा था। गोदान पढ़कर महसूस होता है कि किसान का जीवन सिर्फ खेती से जुड़ा हुआ नहीं होता, उसमें सूदखोर जैसे पुराने ज़माने की संस्थाएं तो हैं ही, नए ज़माने की पुलिस अदालत जैसी संस्थाएं भी हैं। यह सब मिलकर होरी की जान लेती हैं। होरी की मृत्यु पाठकों के जहन को झकझोर कर रख देती है। गोदान का कारुणिक अंत इस बात का गवाह है कि तब तक प्रेमचंद का आदर्शवाद से मोह भंग हो चुका था। उनकी आखिरी दौर की कहानियों में भी ये देखा जा सकता है। जीवन के आखिरी दिनों में वे उपन्यास मंगलसूत्र लिख रहे थे, जिसे वे पूरा नहीं कर सके। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उन्होंने आखिरी सांसें ली। प्रेमचंद अपने उपन्यासों में भारतीय ग्रामीण जीवन को केंद्र में रखते थे। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जिस ऊंचाई तक पहुँचाया, वो आने वाली पीढ़ियों के उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों का भारत और दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर हैं और बने रहेंगे।